इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने मिक्सोपैथी के विरोध में शुक्रवार को इमरजेंसी व कोविड-19 के मरीज को छोड़कर शहर के सभी ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शुक्रवार को मिक्सोपैथी के विरोध में देश भर में हड़ताल पर है, जिसके समर्थन में इंदौर में भी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बंद रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं व कोविड सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जोशी व सचिव डॉक्टर साधना सोडानी ने बताया कि मिक्सोपैथी के विरोध में इंदौर के सभी नर्सिंग होम बंद रहेंगे। हमको केंद्रीय समिति ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, प्रदेश के डॉक्टर निगम साहब की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अब इसका सारा विश्लेषण किया जाएगा, इसके बारे में सरकार क्या स्टेप ले रही है और जैसा भी फिर ऊपर से निर्णय आएगा वैसे हम इसके लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पर जनता को असुविधा न हो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, जिससे हड़ताल जैसी नौबत ना आए और स्वास्थ्य सुविधाएं, अभी आज भी आप देखोगे हमने इतना सब होने के बाद भी इमरजेंसी और कोविड सुविधाएं बिल्कुल भी बंद नहीं करी है, क्योंकि कोविड एक भयंकर महामारी जिससे देश जूझ रहा है, तो ऐसे समय बंद करना उचित नहीं था। इसलिए सिर्फ ओपीडी का एक सांकेतिक हड़ताल करी है और आगे है जैसे भी निर्देश मिलेगा राष्ट्रव्यापी बंद की भी संभावना हो सकती है आगे, अगर इस कानून को रद्द नहीं किया या वापस नहीं लिया गया तो। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की अनुमति, वैकल्पिक चिकित्सकों को बिना अनुभव के कार्डियोलॉजी से नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, जिसके विरोध में आज सेवाओं को बंद रखा गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।